ओके तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। भाई लगभग एक सप्ताह हो गया यार, मैंने अपने वर्ल्ड में खेला ही नहीं। सो फाइनली आ चुके हम अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। सो आज हम लोग को बहुत कुछ करना है। हम लोग को अपना फार्म पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा एंड अपना बेस पे विलेजर को लाना है। सो आज हम लोग को बहुत काम है, तो सबसे पहले एक प्यारा सा विलेज ढूंढने जाएंगे, थोड़ा सा खाना ले लेते हैं एंड अभी चलो विलेज ढूंढने। मेरे को एक्चुअल मालूम नहीं है कि विलेज मेरे को कितना देर के बाद मिलने वाला है। सो टिल देन एंजॉय द म्यूजिक। भाई मेरे को चलते चलते विलेजर का टावर मिल गया, लेकिन एक भी विलेज नहीं मिला। भाई फाइनली कोई तो विलेज मिला मेरे को। एक मिनट, ये तो हॉन्टेड विलेज है यार, मतलब मेरे को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। भाई ये विलेज को देख के ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ है, एकदम हर जगह सन्नाटा। ओके तो गाइस फाइनली मेरे को कैरेट मिला है। ओके तो अपना फार्म का जुगाड़ भी हो गया एंड आज की रात मेरे को हॉन्टेड विलेज में बिताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी जल्दी से लूटपाट करके यहाँ से भागना है, क्योंकि इधर को जॉम्बी रहता है एंड मेरे को औरों के साथ पार्टी नहीं करने का है। आई थिंक इस घर में चेस्ट है। यस चेस्ट है, कुछ तो अच्छा देना प्लीज। ग्रेट, सारा फालतू चीज इसी चेस्ट पे रखा हुआ है। ओके तो इधर को मेरे को घंटी मिल चुका है, जो कि मैं इधर से तोड़ने वाला हूँ एंड अपना बेस में लगाऊंगा। बाय द वे, अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार। आई थिंक इस चेस्ट में कुछ अच्छा होना चाहिए। ग्रेट, और कोई घटिया चीज नहीं है देने के लिए तुम लोगों के पास? अब बस लास्ट ऑप्शन है स्मिथ। अगर इस पे भी कुछ अच्छा नहीं निकला ना, मैं सच बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाऊंगा यार। प्लीज माइनक्राफ्ट कुछ तो अच्छा दे दे यार, प्लीज प्लीज। भाई सीरियसली डायमंड, माइनक्राफ्ट के भगवान ने मेरा आवाज सुन लिया। यस भाई सैडल भी है। भाई लिटरली इतना ज्यादा सामान। ओके तो विलेज को हमने अच्छे तरीके से लूट लिया है एंड अभी हम लोग को वापस घर जाने का है। सो फाइनली हम अपना घर भी पहुंच चुके हैं। दूर से घर तो कितना मस्त लगता है ना। भाई मैं थोड़े दिन के लिए बाहर क्या चला गया, इस शिप ने तो मेरा घर में कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले अपना फार्म कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग का फार्म का सेकंड लेयर में कैरेट लगा देंगे एंड फार्म का थर्ड लेयर में पोटैटो लगा देंगे। गाइस मैं इधर थोड़ा माइनिंग कर रहा था ना, देन मेरे को एक ड्रिपस्टोन मिला, जो कि मेरे को फ्यूचर में बहुत काम आने वाला था, जिससे हम लोग अनलिमिटेड लावा बना सकते हैं और भी बहुत कुछ। सो माइनिंग के बाद मैं अपना बेस के पास वाला गांव में आ गया। भाई मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे घर के सामने एक विलेज है। भाई मैं झूठ मूठ को उतना दूर विलेज ढूंढने गया था। सो यहाँ से मेरे को एक विलेजर को किडनैप करना है। हेलो फार्मर चचा, क्या मैं आपको किडनैप कर सकता हूँ? अब इस अंकल जी को मैंने जबरदस्ती किडनैप नहीं किया है, वो खुद राजी हो गया आने के लिए। ब्रो ये टेक्निक मस्त है, इससे हम लोग विलेजर को टांड टांड के अपना घर तक लेके जा सकते हैं। भाई लाने का तो सिर्फ मैं विलेजर को ला रहा था, लेकिन ये पिक कहाँ से आ गया पता नहीं। फ्री का राइट सबको चाहिए होता है। सो इधर को विलेजर के लिए मेरे को एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो इसको सिंपल बनाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग इसको बहुत मस्त बनाने वाले हैं। वैसे विलेजर का घर तो पूरा बन चुका है, बस थोड़ा खिड़की बना लेते हैं एंड रास्ता तो ब्लॉक कर देंगे हम लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विलेजर इधर उधर घूमते रहे। चलो पिक उतरो, तुम्हारा राइड खत्म हो गया। अरे यार इतना मेहनत करने के बाद विलेजर निकल गया। ओके तो फाइनली हम लोग ने फिर से ब्लॉक कर दिया इसको एंड यहाँ पर मैंने एक और विलेजर को लाया है और उसको भी हम लोग दूसरा विलेजर के साथ रख देंगे। देख विलेजर तेरा दोस्त आ गया, लो विलेजर ब्रेड खाओ एंड अपना काम चालू करो। सो गाइस मैंने ऑफ स्क्रीन कुछ चेंजेस किया है। सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये छोटा सा रूम है जो होने वाला है मेरा इंचांटमेंट रूम, जहाँ पर हम लोग इंचांट करेंगे अपना हथियार सब। ओके तो यहाँ पर जाएगा इंचांटमेंट टेबल एंड उसके आजू बाजू बहुत सारा बुक शेल्फ। सो अभी यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाएंगे हम लोग जहाँ पर विलेजर रहेगा। अभी बस छत कंप्लीट करना है एंड हो गया। सो विलेजर को मैंने इस रूम में ला दिया है। सो अभी इस विलेजर से मेरे को मेंडिंग चाहिए, भाई इसके लिए बहुत मेहनत लगने वाला है। ओके तो फाइनली मेरे को मेंडिंग मिल चुका है इससे। ओके तो रात हो रहा है, मेरे को जल्दी से जाके सोना पड़ेगा। एक मिनट, इधर को विलेजर का बच्चा क्या कर रहा है? लगता है इसको अपने फैमिली से बेदखल कर दिया है एंड अभी इस विलेजर का रूम को पूरा तरीके से ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये निकले ना। ओके तो ऐसा सेम हमने तीन विलेजर के साथ किया है, जिसमें से पहला हम लोग को दे रहा है मेंडिंग एंड दूसरा लूटिंग एंड तीसरा एफिशिएंसी। भाई लाइफ हो तो ऐसा हो। और हाँ गाइस, तुम लोग में से कुछ मेरे वर्ल्ड का सीड मांग रहे थे, तो ये रहा मेरा सीड। और तुम लोग बोल सकते हो कि ये सीड वन ऑफ द लकी सीड है, क्योंकि तुम लोग जैसे स्पॉन होते हो तुम्हारे बगल में रुइन पोर्टल रहेगा। भाई इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।